अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे चीज़ों को जोड़ता है। तो कोवलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम, आल्सो नोन एज मॉलिकुलर बॉन्ड। यानी कि दो एटम्स जो होते हैं वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, तो उनके आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है मॉलिकुलर बॉन्ड, इसको मॉलिकुलर बॉन्ड भी कहते हैं क्योंकि दो एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए इसको मॉलिकुलर बॉन्ड भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है इसकी, सबसे पहले वाटर, H2O। H2O का मतलब क्या है कि एक एटम ऑक्सीजन का है, दो एटम हाइड्रोजन के हैं। क्यों? क्योंकि अगर ऑक्सीजन का देखा जाए तो एटॉमिक नंबर 8 होता है और हाइड्रोजन का 1। 8 एटॉमिक नंबर होने का मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पहले शेल में दो, पहला शेल कंप्लीट हो गया और दूसरे शेल में इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी दूसरे शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन आया, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। मगर ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, यानी ऑक्टेट रूल ऐसा रूल जिसके मुताबिक हर एटम के शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन अगर हों तो वो एटम स्टेबल होता है, यानी कि उसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। और ऑक्टेट रूल भी यही कहता है कि अगर उसके दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर वो एटम जो है स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है? दो इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं तो उसको दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। वो दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन के एटम से लेगा। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास जो है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा ताकि दो इलेक्ट्रॉन ले सके और अपने आर्ट को पूरा कर सके। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो किए गए हैं, जाहिर किए गए हैं। तो अब इधर देखें, वाटर H2O, यानी कि इनके दरमियान अब बॉन्ड बन गया। कौन सा? कोवलेंट बॉन्ड। कैसे? क्योंकि इन दोनों ने बाहमी यानी आपस में मिलके एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। ऑक्सीजन के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, जो ये डॉट वाले इलेक्ट्रॉन हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वाले क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम से आए हैं, इसलिए ये क्रॉस से शो किए गए हैं। तो इस तरह ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और ये कंपाउंड जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है वो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल बना है। तो वाटर इस तरह से बनता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम दोनों आपस में शेयर करते हैं और इनके शेयर होने से कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और अब दूसरी तरफ हम मीथेन को देख लेते हैं, CH4। ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले शेल में दो आ गए और 1, 2, 3 और ये 4, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यानी अब कार्बन को ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, यानी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए उसको मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो वह 4 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? 4 हाइड्रोजन एटम से। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन के पास जो है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन का 4 लगाए हैं, ये 4 के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे? पहले में इसके ये दो थे, दूसरा ये एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन का और ये चौथा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो CH4 इस तरह से ये एक मॉलिक्यूल बना, मीथेन का मॉलिक्यूल, यानी हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड, एक मॉलिक्यूल। कैसे बना? 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन और 4 जो कार्बन के थे इसके मिलने से इनके कार्बन के जो हैं यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए और इस तरह से कार्बन कंपाउंड भी स्टेबल हो गया। यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग से जो कंपाउंड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब है बाहमी शेयरिंग से, आपस में इक्वली शेयरिंग से, आपस में जो इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दो एटम के दरमियान, दो एटम जो आपस में एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उनको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जो दो एटम आपस में एक दूसरे के साथ जैसे अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो दोनों के मिलने से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अगर इस आज की इस वीडियो में आपको कोई बात समझ ना हो आई हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।